कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि भैया मारुति ने जो बिल्ड क्वालिटी है उसके अंदर जो सुधार है वो नहीं किया, लेकिन आप आवाज से पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की इस बार आपको ब्लेनो के अंदर बिल्ड क्वालिटी मिलने वाले हैं। काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं ब्लेनो या फिर कह लीजिए मारुति को कि वो अपनी बिल्ड क्वालिटी या फिर जो इसकी सीट है वो आपको अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन आप आवाज से या फील कर रहे हैं। मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा जो इम्प्रेस हो चुका हूँ कि मारुति काफी ज्यादा अच्छी सीट है वो इसके अंदर यूज में लेने वाली है। मारुति ने हाल ही में क्लेम किया था कि अब वो स्ट्रॉन्गर स्टील का यूज में लेंगे अपनी ब्लेनो के अंदर या फिर कह लीजिए सभी गाड़ी के अंदर। टॉप मॉडल में अगेन आपको इसके अंदर 6 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आपको जेट्टा और या फिर कह लीजिए जो बेस मॉडल इनके अंदर भी जल्दी आपको 6 एयरबैग कंपनियां प्रोवाइड करवाने लग जाएंगी, अभी आपको नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो बनाई गई है हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर आदित्य राजू, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो पुरानी ब्लेनो और नई ब्लेनो के बीच आप बिल्ड क्वालिटी के डिफरेंस पे एक वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए पर्टिकुलर बनाई गई है। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप मेरी किसी वीडियो कमेंट के अंदर डालिए, मैं जरूर आपका सहायता करने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के अंदर आपका सवाल का जवाब दूंगा। अब बात करें पिछली वीडियो दौरान आए लोगों के कमेंट्स की, नो डाउट मैं मानता हूं कि जो पुरानी ब्लेनो थी उसकी मेटल सीट काफी चीप क्वालिटी के अंदर यूज में ली गई थी, अगर आप थोड़ा सा ही फोर्स लगा देते तो उसके अंदर डेंट वगैरह पड़ जाते। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब चले अगले कमेंट की ओर, तो प्रज्ञेश पूछते हैं कि ब्लेनो सीएनजी आने के बाद में स्पेयर टायर वेगनार की तरह लगेगा या फिर डिजायर की तरह। तो दरअसल अगर आपको नहीं पता है जो व्यूवर अभी देख रहे हैं, अब सबसे पहले टेक्निकली बात करें तो वेगनार के अंदर आपको 341 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं डिजायर के अंदर आपको 378 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, मतलब डिजायर के अंदर आपको ज्यादा कैपेसिटी का बूट स्पेस है वो मिलता है। अब बात करें ब्लेनो के बूट स्पेस की, तो ब्लेनो के अंदर आपको 318 लीटर का बूट स्पेस ये मिलता है, लेकिन इतना कम बूट स्पेस मिलने के बाद में भी कंपनी आपको जो स्पेयर टायर है वो आपको जो सीएनजी सिलेंडर है उसके नीचे की ओर लगा के देगी, ना कि आपको बूट के अंदर खुला छोड़ के दिया जाएगा। दरअसल मैं आपको जो बताऊं, वेगनार का बूट स्पेस और ब्लेनो की बूट स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेगनार का बूट स्पेस आपको डीप के अंदर ज्यादा मिलता है, जबकि जो ब्लेनो का बूट स्पेस है वो आपको लंबाई के अंदर ज्यादा बड़ा मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अभी ब्लेनो के अंदर आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाई है उनका स्पेयर टायर आपको नीचे की ओर दिखेगा, ना कि साइड की ओर या फिर आपको बूट के अंदर कहीं पे भी लगा हुआ नहीं नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि प्रज्ञेश आपकी जो डाउट है वो आपका क्लियर हो चुका है। आपको कंपनी अगर सीएनजी किट लगाने के बाद में आपका जो स्पेयर टायर है वो आपको नीचे की ओर लगा के देगी, ना कि आपको बूट के अंदर खुला ऐसे ही छोड़ के दिया जाएगा, जिससे आपका बूट स्पेस काफी ज्यादा बच जाएगा। आप अपनी गाड़ी के बूट को है और एक्स्ट्रा लगेज वगैरह के अंदर भी काम में ले सकते हैं। राकेश शर्मा कहते हैं सर एनी अपडेट रिगार्डिंग ब्रेजा लॉन्च डेट। तो अभी कंपनी है वो अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर बता रही है कि अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर हम ब्रेजा का नेक्स्ट जनरेशन है वो लॉन्च कर देंगे। अभी तक कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया, जब भी राकेश कोई नया अपडेट आ जाएगा मैं जरूर चैनल से जुड़े रहिए, मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। फार्मर्स पॉइंट्स पूछते हैं कि प्लीज बताएं न्यू ब्लेनो या फिर नई ब्रेजा के अंदर कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो अगर आपको देखा जाए, अगर आपका बजट है कि आप ब्रेजा का टॉप मॉडल या फिर आपको बेस मॉडल भी चल जाएगा, कि जिस प्राइस रेंज के अंदर आपको ब्लेनो का टॉप मॉडल मिलता है उस प्राइस रेंज के अंदर आपको ब्रेजा का VXI मॉडल मिलेगा, तो मैं आपको ब्रेजा प्रीफर करूंगा, क्योंकि इंजन आपको ज्यादा बड़ा मिलेगा, आपको वो सेम सी आपको माइलेज निकाल के देगा, उसी के साथ आपको ज्यादा बूट स्पेस, ज्यादा आपको लेग स्पेस, ज्यादा बड़े टायर वगैरह सभी आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, तो मैं आपको ब्रेजा प्रीफर करूंगा अगर आप VXI मॉडल ले सकते हैं। मैं भी अगर आपको ज्यादा फीचर वगैरह चाहिए तो आप फिर ब्लेनो के ऊपर जा सकते हैं। ब्लेनो के अंदर भी आपको सेगमेंट में पहली बार हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा वगैरह फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आप सनरूफ लेना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा ज्यादा बजट है, तो आप ब्रेजा का टॉप मॉडल ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेजा के हाल ही के अंदर टॉप मॉडल के अंदर आपको सनरूफ वगैरह सारे फीचर्स हैं वो दिए जाएंगे। अगर आप डिटेल के अंदर देखना चाह रहे तो मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। राजावेल के कहते हैं ब्रो 2022 पोलो बाय योर नोट। तो मैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा डाई हार्ड फैन है पोलो के, तभी आपको मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी अदरवाइज कंपनी ने हाल ही के अंदर रिवील कर दिया कि पोलो की हम कोई नई नेक्स्ट जनरेशन या फिर कोई भी फेसलिफ्ट वर्जन नहीं लेके आने वाले हैं। अगर आप पोलो के बहुत ही ज्यादा बड़े डाई हार्ड फैन, आपको बहुत ज्यादा गाड़ी पसंद है, तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हाल ही के अंदर कंपनी ने क्लेम किया है कि पोलो की ना ही कोई नेक्स्ट जनरेशन इंडिया के अंदर आएगी। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जरूर पोलो की है वो नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, लेकिन इंडिया के अंदर ना ही कोई फेसलिफ्ट वर्जन आएगा, ना ही आपकी कोई नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तो मे बी कंपनी इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू भी कर सकती है, तो मैं आपको बिल्कुल भी वो रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर फिर भी आप बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन है तो आप जरूर ले सकते हैं, बाकी मेरा कोई इस प्रकार का सजेशन आपको नहीं रहेगा कि आप पोलो खरीदें। दीपक यादव लेक्चरर कहते हैं कि डिजायर सीएनजी और ब्लेनो सीएनजी में से कौन सी ज्यादा गाड़ी बेहतर है, कौन सी ज्यादा लेनी सही रहेगी, आप सलाह दें। तो मैं आपको ब्लेनो सीएनजी प्रीफर करूंगा, मे बी आपको थोड़ा सा वेट है वो जरूर करना पड़ेगा। डिजायर सीएनजी ऑलरेडी वो लॉन्च हो चुकी है, मैंने चैनल पे भी वीडियो बना दी है, आपको 96,000 रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगी जो पेट्रोल वर्जन से, लेकिन आपको डिजायर के अंदर इस प्रकार की बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती है जो अभी वाली ब्लेनो के अंदर मिल रही है। साथ ही आपको कुछ ऐसे फीचर मिल जाते हैं जो आपको डिजायर के अंदर नहीं मिलते, साथ ही आपको ज्यादा मस्कुलर लुक वगैरह सारा मिलता है। डिजायर
कार की जल्दी है वो नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है। मैं भी आपको 2023 के अंदर इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी देखने को मिल सकती है। बलेनो की हाल ही के अंदर नेक्स्ट जनरेशन आई है, मैं भी आप वेट कर सकते हैं कि 2 से 3 साल के बाद में इसका फेसलिफ्ट वर्जन आए। तो मैं नहीं चाहता कि आपको इस प्रकार की गाड़ी मैं प्रीफर करूंगी जो अगले साल ही आपकी डिसकंटिन्यू हो जाए, आपको नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिले तो आपकी गाड़ी है वो 1 साल के बाद में पुरानी लगे। तो आपको बलेनो सीएनजी प्रीफर करूंगा। मैं भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बलेनो सीएनजी अभी लॉन्च नहीं हुई है, जबकि अगर आपको रिसेंट के अंदर गाड़ी चाहिए तो डिजायर सीएनजी वो ऑलरेडी शोरूम्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसका भी वेटिंग पीरियड आपको थोड़ा 1-2 महीने रहने वाला है। तो मैं आपको बलेनो सीएनजी है दीपक वही प्रेफर करूंगा जो आपके लिए ज्यादा किफायती रहेगी, गाड़ी आपको ज्यादा मस्कुलर रुक के साथ में आपको मिलने वाली है। अगेन रोहित भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि लॉन्च डेट क्या है, कब तक एक्सपेक्टेड है। तो अभी टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी को जरूर सपोर्ट किया गया है रोहित, अभी कोई कंपनी की ओर से रिवील नहीं किया गया है कि किस पर्टिकुलर डेट को है वो बलेनो सीएनजी के अंदर लॉन्च की जाएगी। मैं भी टेस्टिंग के दौरान कई बार सपोर्ट किया जा चुका है, जल्दी आपको गाड़ी मिल जाएगी। प्राइस की बात भी करें तो आपको 95 से 96 हजार रुपये एक्सपेंसिव रहेगी। पेट्रोल वर्जन से आपको ये 2 मॉडल्स के अंदर मिल सकते हैं, डेल्टा और जेटा के अंदर। जेटा का अभी कंफर्म इस वजह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि मारुति अपनी सभी गाड़ियों को सीएनजी के अंदर मिड वेरिएंट के अंदर लॉन्च करती है, टॉप वेरिएंट के अंदर नहीं लॉन्च करती है। क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी है कि टॉप मॉडल के अंदर सीएनजी देंगे तो कोई भी 10 या 11 लाख रुपए की प्राइस के अंदर सीएनजी कोई भी जो इंडियन बायर है वो नहीं खरीदते हैं। जब भी रोहित कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको इसके बारे में है वो इन्फॉर्म करूंगा। टॉयज लिटिल वर्ड कर रहे हैं कि ब्रेजा कब लॉन्च होगी, तो अभी आपके अप्रैल के 2nd वीक के अंदर ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। जब भी इसके रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको चैनल के ऊपर वो प्रोवाइड करवाऊंगा, चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए। हर्षल भी अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिजायर VXi सीएनजी वर्सेज ब्लेनो डेल्टा सीएनजी विच वन टू बाय, तो आपको ब्लेनो में आपको ज्यादा प्रीफर करूंगा। हाल ही के अंदर अभी ब्लेनो के अंदर सीएनजी आ नहीं रही है, ये आपको फेस्टिवल सीजन से पहले मिल जाएगी। लेकिन डिजायर के अंदर आपको मे बी है वो नेक्स्ट ईयर अगली साल के अंदर इसके जो नेक्स्ट जनरेशन वो आने वाली है, तो मैं आपको डिजायर सीएनजी तो बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूंगा। साथ ही बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अभी वाली ब्लेनो के कंपेरिजन में आपकी डिजायर उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी चीप क्वालिटी की है, जबकि आपको ब्लेनो के अंदर इस बार वाली के अंदर काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वो मिलने वाली है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है। असमत अजीज पूछ रहे हैं कि ब्लेनो जेटा 2022 मॉडल ऑटोमेटिक वर्जन प्राइस इन आंध्र प्रदेश इन राजा हमुंद्री, तो ये मॉडल आपको 10,17,079 रुपए का पड़ेगा। अगर आपको मैं डिटेल के अंदर बताऊं कि आपकी इंश्योरेंस लगभग कितनी रहेगी, तो एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी की आपकी रहेगी 8,69,206 रुपए, रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका 1,11,105 रुपए, इंश्योरेंस रहेगी आपकी 44,758 रुपए, जबकि अदर चार्जेस जोड़े आपके जैसे फास्टैग वगैरह तो 2,000 रुपए उसके मान लें, तो आपकी टोटल जो 10,17,079 रुपए प्राइस है वो ऑन रोड आपकी जेटा ऑटोमेटिक वेरिएंट की आपकी जो प्राइस है वो रहने वाली है। डेल्टा और सिग्मा मॉडल के अंदर कुछ इस प्रकार की आपको की मिलेगी, जबकि जेटा मॉडल से आपको रिमोट की मिलने लग जाएगी, आपको पुश स्टार्ट बटन के साथ ये गाड़ी मिलेगी। इसके अंदर आपको लॉक अनलॉक के दोनों मॉडल मिलेंगे, एज इट इज सेम इसी के अंदर आपको मिलेंगे। ये जो कि है मारुति काफी सालों से अपनी गाड़ियों के अंदर यूज में लेती आ रही है, 2002 के अंदर जब ग्रैंड विटारा आती उसमें से इस जो चाबी का वो स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी तक ये जो ओल्ड जो चाबी है वो बनी हुई है। ओल्ड जनरेशन जो ब्लेनो आती थी उसका कंपैरिजन भी काफी ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। आप दोनों देख सकते हैं, ये भी गाड़ी आपको पुरानी जो ब्लेनो आती थी कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। ये आपका डेल्टा मॉडल ही है, अगेन इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा फीचर कंपनी उस टाइम प्रोवाइड करवाती थी। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है क्योंकि अब आपको नेक्स्ट जनरेशन जो ब्लेनो ये आ चुकी है। अगर आपकी भी किसी गाड़ी से रिलेटेड है या फिर आप किसी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मेरी किसी वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर डालिए। साथ ही अगर आप अपनी सिटी मेंशन करेंगे, जिस प्रकार से इन कस्टमर ने अपनी सिटी वगैरह सारी मेंशन किया, तो मैं आपको ऑन रोड प्राइस है वो किसी भी गाड़ी की आपको बता सकता हूं। तो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।